अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज बहुत दिनों के बाद हमारा प्लान बना कि यार कुछ नया खाया जाए, कुछ नई चीज़ डिस्कवर की जाए। तो उस चक्कर में हम लोग इस वक्त हैं इस्लामपुरा और यहाँ पर हम लोग एक काला जी चने वाला है उसके पास आए हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देसी मुर्गे का शोरबा और चने और पाए लगाता है। तो आएँ ज़रा फिर इसके चने और देसी मुर्गा जो है वो ट्राई करते हैं, क्योंकि पाए का सीन कहीं और है। तो ये है जनाब काला चने वाला इस्लामपुरा बाज़ार के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेटअप है यार यहाँ पे। अभी तक तो सही लग रहा है, अभी तो टेस्ट करके पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। बहरहाल देखने में तो सही लग रहा है, फैमिलीज़ वगैरह आ रही हैं, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 7:30-8 बजे हैं। तो अभी चेक करते हैं भाई बाकी क्या सीन है। यहाँ पर चने मिल जाएंगे आपको, देसी मुर्गे का शोरबा और पाए मिल जाएंगे बकरे के। अभी पाए शाये तो बाद में ट्राई करते हैं, पहले इनका देसी मुर्गा ट्राई कर लें और इनके चने ट्राई कर लेते हैं। ये हैं जनाब चने। वाह, क्या खिलाए जनाब, क्या क्या नाश्ते है? पाया भी है, मगज है, खाद है, जुबान है सिरी की, देसी मुर्ग शोरबे वाला है। अच्छा, और चने हैं, मुर्ग चने हैं। कब से चला, कब से रहे? माशाल्लाह हो गए 50 साल हो गए। 50 साल हो गए, जबरदस्त हो गया। आप भी चला रहे हैं? नहीं, पहले वाले साहब चला, वो तो बहुत हो गया, को प्यारे हो गए। सही, उन्हीं का ये लगा हुआ दरख्त। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही लाओ जी। चंगा जी जनाब, साढ़े को फाइनली इनका देसी मुर्गा ज़बरदस्त किस्म का टंगड़ी के साथ आ गया, और दूसरा हमारे पास इनके चने ढीले ढाले से वो आ गया, और साथ स्पेशल वाला कुलचा है। ये देखें ज़रा, हाय 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 हाय। लाओ जी ट्राई करते हैं इस ज़बरदस्त से कुलचे के साथ इनके चने। साइज़ छोटा है इन चनों का, देसी चने, और वो वाली फील जो है वो ढीले ढाले शोरबे के साथ, क्योंकि बीच में ये शोरबा ऐड करके देते हैं देसी मुर्गे का। तो इसको ज़रा ट्राई करते हैं ऐसे करके। चने तो बहुत सॉलिड है, ये जो देसी चने इसमें यूज़ किए गए हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, और फ्लेवर बहुत आला है, लेकिन जो स्पाइसेस है ना वो थोड़े से ज़्यादा, मतलब आपको मिर्चें शर्चें लगेंगी, जो स्पाइसेस नहीं खाते उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मेरे लिए तो यार ये बहुत फिट चने हैं, बहुत आला है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यार चनों का फ्लेवर है। अब आते हैं इनके असली चीज़ देसी मुर्गे की तरफ, ये चेक करें ज़रा ये। ओए होए 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 होए, चेक करो देसी मुर्गे की सिचुएशन। ये टंगड़ी तो दुआएं देगी, पेट दुआएं देगा कि टंगड़ी दुआएं देगी। तो ज़रा अच्छी तरह बोटी को नहला के, अपने लुक में को नहला के इस देसी मुर्गे के शोरबे में। तो ये अब ओहो यार बहुत आला, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया करा गया ये देसी मुर्गा। अब इस देसी मुर्गे की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें बहुत ही कमाल के और बैलेंस्ड स्पाइसी है। आपको चने थोड़े से स्पाइसी मिलेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही बैलेंस्ड है। जो लोग स्पाइसी नहीं भी खाते वो ये खा सकते हैं, और बड़ा ही माइल्ड किस्म का, बहुत ही मतलब कहते हैं ना एक ज़बरदस्त किस्म का जो फ्लेवर होता है उनका, जो अगर देसी मुर्गे की भी बात करें तो बहुत ही मुनासिब तरीके से गला हुआ है, ना बहुत ज़्यादा घुल रहा है ना फिर बहुत ज़्यादा सख्त है। आपको पूरी अपना नवाला इसमें डिबो के डिप करके, भाई जब आपने बाइट लेनी है ना तो आपको मज़ा आ जाना, वो बढ़िया करा गया भाई। स्वाद आ गया, वो बढ़िया। लो जी जनाब, फाइनली काला जी के चने और इनका देसी मुर्गा जो ज़बरदस्त किस्म की टंगड़ी के साथ था, और उसके बाद जो शोरबा पिया है मज़ा आ गया। अब बारी है रिकमेंडेशन की। तो अगर मैं कहूँ कि आप चनों के लिए ना आएँ यहाँ पे तो मुनासिब है, क्योंकि चने उस लेवल के नहीं हैं कि आप स्पेशल चनों के लिए आए, लेकिन अगर आप देसी मुर्गा के शौकीन हैं तो आपको ये जगह एक दफ़ा
विजिट करना मस्ट बनती है, क्योंकि जो इनका देसी मुर्गा का शोरबा है वो बहुत ही कमाल का है, और देसी मुर्गा की जो बोटी है वो तो वाकई में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो भाई देसी मुर्गे के लिए तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चनों के लिए कहेंगे तो ठीक है, अगर आस पास हो तो आ जाओ खा लो, लेकिन स्पेशली इन चनों के लिए आप मेरा नहीं ख्याल कि आ सकते हो। लाओ जी, इस्लामपुरा से सीधा हम लोग पहुँचे हैं सदर बाज़ार में, और सदर बाज़ार में भाई मेरे पीछे देखो नाश्ते का कितना ज़बरदस्त रश लगा हुआ है। ये एक ही जगह पे हो सकता है, वो है कसूर स्वीट्स। यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की हलवा पूरी और पठूरे मिलेंगे। पठूरे तो सारा दिन मिलते हैं, रात में भी यहाँ पर आएंगे तो इतना ही रश लगा होगा पठूरों के पीछे और आपको टेबल खाली नहीं मिलेगा। तो भाई आएँ ज़रा इनकी ज़बरदस्त किस्म की हलवा पूरी ट्राई करते हैं। ओए होए 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 यार, असली संडे वाला रश है यहाँ पर। फैमिलीज आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, घर लेके जा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। लो जी जनाब, दो दो काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ पर भी पूरियाँ बन रही हैं और वहाँ पर भी पूरियाँ बन रही हैं। आह क्या बात उस्ताद। देखिए जनाब, यहाँ पर रश लगा हुआ है, लोग पार्सल वगैरह करवा रहे हैं, लस्सियाँ भी बन रही हैं उस्ताद, फुल हैवी जोबन के ऊपर। क्या बात है, ऐ वेखो ना, ऐ काम चंगा कर लिया जे, ऐ वेखो ये काम सही है ना, ऐसे ही रश डाला होता है हर जगह। लाइन में आओ ना भाई, लाइन में आओ, ज़रा लाइन में आओ। हाँ, क्या बात है जनाब, फुल हैवी पूड़ियाँ छुड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे। क्या बात है, ओहो सारे हाथ छलनी कर रही हैं, सारा दिन आहो सारा दिन जख्मी किया बंदिया ने उस्ताद ने। लो जनाब, साड़ी प्लेट तैयार हो रही है हलवा पूरी थी, ये देखें ज़रा क्या ज़बरदस्त किस्म का हलवा है, और इनके चने के साथ दही और वो आलू की भुजिया और पूरियाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। लो जी जनाब, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो आप भी इस ज़बरदस्त किस्म के मौसम में ये ज़बरदस्त किस्म की हलवा पूरी इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा कसूर स्वीट सदर बाज़ार के अंदर, बहुत ही फेमस जगह है, आप भी ट्राई करें। हम भी अब ज़रा सुकून से खाते हैं, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।